नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि सलमान खान को ये सजा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनके साथ भेदभाव किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 3 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं और आपको बता दें, इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। बीते कई सालों की बात करें तो दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ये रिश्ते मजबूत होंगे और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। फेसबुक डेटा लीक मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार फेसबुक ने ये माना है कि 5.6 भारतीय डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी के साथ गलत तरीके से साझा किया गया है, जिसके बाद फेसबुक के सीईओ ने भी इस मामले पर माफी मांगी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी एक ट्वीट के बाद विवादों में घिर गए हैं। दरअसल वो ट्वीट उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर किया, जिसके बाद वो भारतीय क्रिकेटर्स के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें, रविवार को भारतीय सेना ने कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आतंकवादियों को ढेर किया था, जिसके बाद अफरीदी ने ट्वीट किया कि भारत कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या करवा रहा है, जिसके बाद वो भारतीय क्रिकेटर्स के निशाने पर आ गए। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान नई फिल्म के रिमेक में नजर आएंगे। आपको बता दें, कमल हसन की सन 2000 में आई फिल्म हे राम में शाहरुख नजर आएंगे। आपको बता दें, शाहरुख की ये बेहद पसंदीदा फिल्म है और ये खुलासा खुद कमल हसन ने किया। फिलहाल खबरों में इतना ही और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।